हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सब लोगों का। आज हम फिर से हाजिर है अपनी एक न्यू टॉपिक के साथ। आई होप कि सबकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। बाकी जो बच्चों के डाउट हैं वो साथ साथ में क्लियर होते जा रहे हैं, जिनके क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच रहे हैं मैं उनको साथ साथ में रिप्लाई भी कर रही हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आर्टिकल्स। ओके, जब हम छोटी क्लासेस में थे तब भी हम पढ़ते थे आर्टिकल्स के बारे में और जनरली सबको पता है कि आर्टिकल होते क्या हैं। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। सो शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं हम कि हमारे पास आर्टिकल्स होते कितने हैं। ठीक है, हमारे पास तीन आर्टिकल्स होते हैं, अ एंड द। ओके, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, अ एंड द। अब देखिए, आर्टिकल्स पढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है वो। जैसे हमारे इंग्लिश के 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, 26 क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। अब उसमें कुछ हमारे पास वोवल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या रहते हैं, वोवल्स रहते हैं। और इनके अलावा जो वर्ड्स मतलब अल्फाबेट्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजेज ऑफ अ एंड एन। ठीक है, यूजेज ऑफ अ एंड एन। ठीक है, अ के बारे में बात करते हैं। अ इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जो हमारा अ होता है वो किन वर्ड्स के साथ लगता है, जब वो शुरू होते हैं तो उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। उसके साथ हम क्या करते हैं, अपने अ का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बॉय, तो बी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, अ का यूज किया है। सेम एज दैट चाइल्ड के केस में भी किया है और स्टूडेंट के केस में भी हमने किया है। आई होप कि क्लियर हो रहा है, बहुत ज्यादा इजी है ये, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट हम फिर से बात करेंगे अ के बारे में। ओके, अ इज ऑल्सो यूज विद द वोवल गिविंग द साउंड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। देखिए, अ हमारा वहां पे भी लगाया जाता है, यहाँ पे शुरू बेशक आपका वोवल के साथ होगा। ठीक है, कोई वर्ड शुरू बेशक आपका वोवल के साथ होगा लेकिन उसकी जो साउंड रहेगी वो कैसी रहेगी, कॉन्सोनेंट की रहेगी, तो भी हम क्या करेंगे, अपने अ का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अ यूरोपियन, देखिए य की आवाज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अ का यूज किया है। आई होप कि सबको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट है बिफोर अ सिंगुलर, अ के बारे में ये भी, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज टू सिंगल आउट सम पर्सन समथिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स एनिमल्स एंड पर्सन। देखिए, हमारा जो अ है वहां पे भी यूज होगा जहां पे कोई चीज सिंगुलर है, काउंटेबल है। ठीक है, वहां पे भी हम क्या करेंगे, चाहे वो किसी चीज के बारे में बात हो रही है, किसी जानवर के बारे में बात हो रही है या फिर किसी इंसान के बारे में बात हो रही है और आपको पता है कि वो चीज एक ही है, काउंटेबल है वो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी हम लोग अपने अ का यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, काऊ के बारे में बात हो रही है, आपको पता है यहाँ पे सिंगल दिखाई दे रही है वो, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे अ का यूज किया है। ठीक है, सेम एज दैट यहाँ पे एनिमल की बात हो रही थी, यहाँ पे आपकी क्या बात हो रही है, किसी फ्लावर की मतलब किसी चीज की बात हो रही है। अ रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। ठीक है, अ रोज इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अब देखिए यहाँ पे भी सिंगल है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या किया है, अ का यूज किया है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे अ का यूज देखते हैं फिर से। इन एक्सक्लेमेशन स्टार्ट विद वॉट आर हाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो आपको पता है जिसमें आपकी कोई भावना जो है वो व्यक्त होती है, खुशी की हो गई, दुख की हो गई, सरप्राइज की हो गई। ठीक है, और उन सेंटेंसेस में आपका एक साइन रहता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, तो देखिए जो आपके ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जब ये शुरू होते हैं आपके व्हाट आर हाउ से स्टार्ट होते हैं और आगे कोई भी सिंगुलर मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, जैसे यहाँ पे है प्रिटी गर्ल, तब भी हम क्या करेंगे, अपने अ का यूज करेंगे। ओके, सेम एज दैट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं व्हाट अ नॉटी चाइल्ड। ठीक है, नॉटी चाइल्ड इज अ सिंगुलर नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ भी क्या किया है, अ का यूज किया है। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
ओके तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एन. ओके अब हम एन के बारे में बात करेंगे. एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉवल. एन आपका वहां पे लगाया जाता है जहां पे आपका वर्ड जो है वो किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. वॉवल मैंने आपको बता दिए थे पहले भी, ए ई आई ओ यू. ओके अब हमारे पास एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एन लगाया है और उसके आगे है एलिफेंट, तो ई से स्टार्ट हो रहा है. देखिए वॉवल वाला वर्ड आ चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आपने एन का यूज किया है, जो हमारा क्या है बिल्कुल सही है. उसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं एन एप्पल. ठीक है, अ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, तो ये भी क्या है आपका एकदम सही है. बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है समझने वाला, हल्का हल्का है बस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे. एन इज यूज्ड विद अ म्यूट एच. अब आपने देखा होगा हम ऑनेस्ट वर्ड बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारा एच है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, म्यूट रहता है. ठीक है, और इन केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, अपने एन का यूज करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन. ठीक है, यहां पे आपका जो एच है वो क्या है, साइलेंट है दोनों केसेस में, इसीलिए हमने क्या किया यहां पे, देखिए वॉवल की साउंड आ रही है आर. ठीक है, यहां पे भी ऑनेस्ट, तो इसीलिए हमने क्या किया यहां पे एन का यूज किया है. आई होप कि क्लियर हो गया आप सब लोगों को. ओके अ वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट बट विद द साउंड ऑफ वॉवल. ठीक है, कोई भी हमारा वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन जब हम उसे बोलेंगे तो वो साउंड कैसा करेगा, वॉवल की तरह. जैसे आप देख सकते हैं यहां पे एल एल बी अ की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने यहां पे क्या किया, अपना एन का यूज किया. सेम एज दैट एम एल ए अ की आवाज आई शुरू होने पे, तो इसीलिए हमने यहां पे भी क्या किया है, एन का यूज किया है. ऐसे केसेस में भी हम लोग क्या करेंगे, अपने एन का यूज करेंगे. आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया हो और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. नेक्स्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे कुछ और रूल्स के साथ. ओके.